मैं अपने अभी गांव के नदी में पटसन को नदी में डाल रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को देखें और इस भाई को प्यार दे। तो जैसे कि दोस्तों, मैं हरिशंकर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए ब्लॉग वीडियो में। आज मैं पटसन को कटाई हो चुका है और साथ मेरी मम्मी है और इसको बांध रहे हैं। हम और मम्मी मिलकर इसको बांधते हैं और देखिए जूना दे दिए हैं पटसन का और पटसन को ऊपर से पकड़ के झाड़ते हैं। झाड़ने के बाद इसका जय जो होता है देखिए एक रंग हो जाता है और उसी के माध्यम से इसे हम बांधते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक सरप्राइज देना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी मेरे फैमिली मेंबर हैं, आप लोगों की सहयोग से मेरे चैनल पे 10K सब्सक्राइबर पार हो चुका है। बहुत ही आप लोगों का सहयोग रहा, इस भाई को आप लोग प्यार दिए और नए नए ब्लॉग्स आप लोग देखे। तो आप लोग जरा कमेंट करके बताएं किस तरह का ब्लॉग्स वीडियो आप लोगों को चाहिए, मैं आप लोग तक जरूर वह वीडियो पहुँचाने का काम करूँगा। चाहे गांव का विलेज ब्लॉग्स हो कि चाहे आपको ट्रैवल का ब्लॉग्स विलेज ब्लॉग्स हो, चाहे आपको देसी स्टाइल ब्लॉग्स हो, जो भी ब्लॉग्स वीडियो आप लोगों को चाहिए, चाहे फैमिली ब्लॉग्स हो, चाहे आपको जीवन में क्या परेशानी होता है उस टाइप का वीडियो चाहिए, जैसे मेरे साथ समस्या क्या क्या हो रहा है उस तरह का वीडियो आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से बहुत ही खुश हूँ, आप लोगों ने बहुत ही इस भाई को प्यार दिया और आप लोगों ने 10,000 सब्सक्राइबर पार करवा दिए मेरे चैनल पे। मैं हमेशा आप लोगों के बीच अपडेट रहना चाहता हूँ। मेरे गांव का आप नज़ारा देख लीजिए, मेरे गांव के कुछ किसान भाइयों ने मेरे खेत के बगल में जिसका खाली खेत पड़ा हुआ था, मूंग का खेत था, वह धान रोपाई कर चुका है और हम लोगों के खेत में, जो किसान भाई के खेत में पटसन का खेती था, तो वह थोड़ा लेट से रोपता है। उसका रोपाई आपको अगस्त जो होता है, आपको अगस्त माह के 10-15 तक में उन खेतों का रोपाई हो जाता है और धान भी अच्छा उपज होता है। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों के बीच मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों का जो व्यू आता है मेरे चैनल पे वो आता है 20, 25, 50, 100। कोई मेरे वीडियो को देखता नहीं, मेरे चैनल पे वायरल नहीं होता है ब्लॉग्स, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सहयोग, आप लोगों के प्यार पाके इस चैनल पे काम करता हूं, ताकि उम्मीद है कहीं ना कहीं आपका प्यार जिस दिन मेरे प्रति जाग गया तो उस दिन मैं आप लोगों के दुआ से वायरल हो जाऊंगा। क्योंकि जो बाहर के यूट्यूबर जो दिखाते हैं वही हम लोग भी दिखाते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोग काफ़ी प्यार दिए। और ये हुआ प्रिंस जी, मेरे भैगना है, कई बार इसको आप लोग देख चुके हैं, मैं उसे खाना लाने के लिए अभी भेज रहा हूँ, भूख लग गया है। तो आप लोग इस भाई को प्यार दें और सब्सक्राइब अधिक से अधिक आप लोग करें, ताकि गांव में किस तरह का वीडियो होना चाहिए, किस तरह से हम लोग बनाते हैं, कैसे कैसे परेशानियां हम लोगों के साथ होता है। अगर आप गांव में रहते हैं, एक किसान मजदूर भाई है, तो सब्सक्राइब करें। ये हो गया मेरी मम्मी। और आज लमसम मैं बता देता हूँ कि सुबह से हमको और मेरी मम्मी को बांधने में समय बीत चुका है। फिर बोझा बांधने के बाद हमको ट्रैक्टर लाना पड़ा उघाने के लिए, और ट्रैक्टर पे हम लाद के फिर नदी में गिराए और फिर नदी में इसे जो आगे पीछे मुड़ी करके उस पर हम लोग छावन देते हैं। छावन देने के बाद फिर चकड़ी देते हैं, और मिट्टी का जो चकड़ी होता है गोलाकार काट के, और उस चकड़ी को दे के फिर कम से कम 4-5 इंची हम आप लोग को पानी के अंदर इसको गलाते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं छावन कर रहे हैं अभी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमेशा इस भाई को प्यार दीजिएगा,
ताकि मैं आप लोगों के लिए नए से नए ब्लॉग्स वीडियो लाने का प्रयास करूं, जो भी देसी स्टाइल में हो, चाहे शहर का ब्लॉग्स हो, मेला ब्लॉग्स वीडियो हो, चाहे ट्रैवल ब्लॉग्स वीडियो हो, देसी स्टाइल ब्लॉग्स वीडियो हो, कहीं का भी घूमने का हो, जहां हो, फैमिली ब्लॉग्स वीडियो हो, मैं हर एक वीडियो लाने का प्रयास करता हूँ। जय हिंद।